नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे आप अभी तक बैठे हुए, काम पे नहीं जाना है? अभी आधा घंटा बाकी है। नेहा यार जल्दी चल, लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ आ गई। चलो भाई। कितनी बार बोला है ये, दुपट्टा ठीक से डाला करो। अब जाओ। पापा बाय। बाय बेटा। यार तूने प्रोजेक्ट किया? नहीं यार, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है। अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ ना, उस वाली असाइनमेंट में ना मैं तेरी हेल्प ले लूंगी। नेहा, रिंकी, अरे मेरे लिए तो रुको। कहाँ रह गया था यार? अच्छा जी, गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट और मेरी चॉकलेट कहाँ है? तू भी क्या याद करेगी नेहा, ये ले। नेहा बोलने से पहले कुछ सोच समझ लिया कर। इतना क्यों भड़क रही है? बचपन से तेरे पीछे पीछे घूम रहा है, ऐसे ही थोड़ी। अब यार नेहा तू ही समझा, कब से सोच रहा हूँ इसको डेट पे ले जाने की, पर ये दोस्ती से आगे ही नहीं बढ़ रही है। ओए राहुल ज्यादा उड़ मत, तुझे अच्छे से पता है मुझे इन सारी बातों से कितनी चिढ़ होती है, लेकिन फिर भी तुझे समझ में नहीं आता। अगर तूने बोलना बंद नहीं किया ना तो तेरी दोस्ती तू अपने पास रख। अरे तो गुस्सा क्यों हो रही है? मजाक कर रहा हूँ मैं, चॉकलेट तो ले। बात ना मजाक की नहीं है, मैं देख रही हूँ आजकल ये आशिकी ना तेरे सिर पर चढ़ी हुई है। अगर तू बाज नहीं आया ना, किसी दिन अच्छे से निकाल दूंगी तेरी ये आशिकी। और हाँ, हमारे पीछे मत आना अब। रिंकी सुनो। चुप। क्यों बेचारे की क्लास लगा दी? उनका दोस्त है वो अपना। यार लोग सिर से चढ़ जाते हैं, बता दीजिए। ले आ गई तेरी ब्लॉगिंग स्टार। कॉलेज बदल गया पर इसने तेरा पीछा करना नहीं छोड़ा, इसे ना तू ही छेड़। मैं जा रही हूँ। हाय। हाय। बहुत प्यारी स्कूटी है, कब ली? अभी थोड़े दिनों पहले, अपनी कमाई से खरीदी है। पता है वो पिछले महीने का ब्लॉग जिसमें मैंने कुछ ब्यूटी टिप्स दी थी? हाँ हाँ। तूने भी तो देखा था ना? देखा था। वो भयंकर वाला वायरल हो गया है, तो बस उसी से 50,000 मिले इस महीने का, तो मैंने ले ली स्कूटी। और तू बता, तू भी तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली थी ना, क्या हुआ? कहाँ यार, मेरे पास फोन ही कहाँ है, ये देख फुद्दू सा फोन, इससे क्या ही होगा। पर तू तो पॉकेट मनी सेव कर रही थी ना उसके लिए। 5,000 रुपए। 5,000 रुपए से क्या होता है? तू अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बात करती? मेरे पापा ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई के अलावा उन्हें कुछ और नहीं दिखता, कभी नहीं मानेंगे वो। तू एक काम कर, तू एक बार ट्राई कर, और अगर वो नहीं माने ना तो मैं अपना पुराना फोन तुझे दे दूंगी। वो मैंने ना नया फोन लिया है, तो वो पुराना वाला बेकार पड़ा है, तो तू उससे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेना। थैंक यू यार। अरे कोई ना, चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, वो नेहा मेरा वेट कर रही है। ठीक है, बाय बाय, तू निकल। पापा वो मेरी एक फ्रेंड है ना सौम्या, उसने ना नई स्कूटी खरीद ली है। अच्छा, वही ना जो वाइयात कपड़े पहनकर वीडियोस बनाती है, है? नहीं नहीं पापा, उसे व्लॉग्स बोलते हैं, और उससे ना वो बहुत सारे पैसे भी कमा रही है। व्लॉग्स का मतलब वीडियोस बनाना ही होता है ना? हाँ पापा। अब मैं क्या सोच रही थी कि आप मुझे ना एक नया फोन दिलवा दो, मैं भी व्लॉग्स बनाऊंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं तुझे एक ऑफिसर बनाना चाहता हूँ और तू उठपटांग की बातों पर ध्यान दे रही है। पर पापा उसे ना पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुप, एकदम चुप। तुम देख रही हो कैसे जबान लड़ा रही है अपने बाप से? रिंकी चुप कर, क्यों बहस कर रही है पापा से? और मुझे मत बताओ क्या फर्क पड़ता है और क्या नहीं, सब जानता हूं मैं और देखता भी हूं। मोबाइल पर सारे सारे दिन बच्चे क्या करते हैं, वीडियो गेमिंग चैटिंग, पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन जाओ, उसके बाद जो चाहे वो करती रहना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। और आज के बाद अपने दिमाग से सारी चीजें ना निकाल के बाहर फेंक दो, समझी?
तूने सोच भी कैसे लिया कि पापा तेरी बात मान जाएंगे और तुझे मोबाइल दिला देंगे? उन्होंने घर में टीवी जरूर लगवाया है, लेकिन सिर्फ न्यूज देखने के लिए, बाकी कुछ नहीं। और तूने उनसे मोबाइल मांग लिया, पागल हो गई है क्या? देख नेहा, मुझे ब्लॉगर बनना है, आई मीन मेरा सपना है, और मैं अपना सपना कैसे भी करके पूरा करके रहूंगी। मैं अपने पैशन को ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगी। वो कैसे करेगी? इस मोबाइल से, इससे बनेगी तू ब्लॉगर? मजाक मत कर। और हाँ, वो जो सौम्या है ना, उससे जितना दूर रहेगी ना, उतना फायदे में रहेगी। उसी के वजह से तब तेरे दिमाग में आता है ना। हो गई तेरी ज्ञान बाजी, अब जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ जा। हाँ ठीक है, जा। गुड। हाँ रिंकी बोल। तू बोल रही थी ना तेरा पुराना फोन है, तू मेरे लिए लेके आएगी, तो कल लेके आएगी ना? अरे हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं ले आऊंगी कल फोन। थैंक यू सो मच यार। चल फिर कल कॉलेज पार्किंग में मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। ये रहा तेरा मोबाइल, जा सच कर ले अपने सपने। थैंक यू सो मच यार। और मैंने ना इसमें तेरा अकाउंट भी बना दिया, अब बस तुझे ब्लॉग शूट करना है और अपलोड करना है, फिर तू भी फेमस। चल बनाते हैं ब्लॉग अभी। हाँ यार, घर पे तो बना नहीं पाऊंगी। मतलब तू इस मोबाइल को छुपा के रखेगी? ऑब्वियसली, किसी को पता चल गया तो तुझे पता है ना मेरे पापा का नेचर, फालतू में डांटेंगे। चल ना अब बनाते हैं, सब छोड़ दे। चल बनाते हैं। चल तू खड़ी हो जा, मैं शूट कर देती हूँ। ठीक दिख रही हूँ? ओके एंड एक्शन। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रिंकी अवस्थी है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है। यू नो, मैं बहुत पहले से व्लॉगर बनना चाहती हूँ, पर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। पर मेरी फ्रेंड है सौम्या, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच सौम्या। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच, बाय। ओके, कैसा बना, कैसा बना? गुड गुड गुड। चल इसे अपलोड करते हैं। ये ले, हो गया अपलोड। अब तुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता, समझी? पता नहीं यार, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। अरे तू वो सब मत सोच, अभी तो दूसरे ब्लॉग की तैयारी करना शुरू कर। चल अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया, ठीक है? हाँ, तुझे भी छोड़ दूँ? हाँ मुझे भी छोड़ दे। चल आजा बैठ। रेडी? या चले? चल। बस 3 व्यूज, ऐसे तो मैं बन गई व्लॉगर। रिंकी, नेहा, ये ले दूध पी ले। अब माँ इधर ही रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। ये सो गई? हाँ माँ। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। नाइस but boring. You need put some efforts. If you need any help, please message me in personal. कौन है ये? अरमान। तू इतनी देर रात तक जाकर क्या करती है? स्टडी करती हूँ, और क्या करूँगी? लगता था ना, तू खुद तो सोती रहती है और मुझसे बोल रही है। तू जा, मैं आती हूँ। क्या कर रही थी तू? नेहा के सामने बोल रही थी, तुझे पता है ना? अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी तू चोरी छुपे व्लॉग बनाती है। अच्छा कोई ना, छोड़, वो वीडियो का रिस्पांस कैसा था? रुक, तू ना खुद ही देख ले। 4 व्यूज और एक फालतू सा कमेंट। अबे अरमान ने कमेंट किया है तेरे वीडियो पर? हाँ, सो व्हाट, सेलिब्रिटी है क्या? सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है। तुझे पता है वो ना रियल ब्लॉगर है, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। अजीब है, आज तक उसने मेरे किसी भी वीडियो पे कमेंट नहीं किया और तेरे पहले वीडियो पे कमेंट।
आई थिंक तुझे इसे मैसेज करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे किसी को मैसेज नहीं करना। अरे सुन, इसने तुझे सपोर्ट किया ना, फिर तुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। रुक, मैं मैसेज टाइप करती हूँ। हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने मेरे वीडियो पर कमेंट किया है। मैं इस फील्ड में नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। आप कुछ टिप देना चाहेंगे? मुझे खुशी होगी ये सुनकर। रिप्लाई करेगा? क्यों नहीं करेगा, किया तो अच्छा है और ना किया तो अपना क्या जाता है। ए आ गया। क्या है, क्या है? रुक रुक पढ़ती हूँ। हाय, थैंक यू। मुझे पता है कि तुम नई हो और तुम्हें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पर ऐसे मैसेज पे मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, कहीं मिलकर बात करते। अरे यार, ये तो मिलने को बुला रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसी किसी अनजान इंसान से नहीं मिल सकती। तो पागल है क्या, कितना फेमस व्लॉगर है वो और तुम मना कर रही है। रुक, मैं तेरी मीटिंग फिक्स करती हूँ। जी ज़रूर, मिलकर बात करते हैं आज शाम शांति गार्डन में 4 बजे। मैं आपका वेट करूँगी। आ गया आ गया। ओके, देन शाम को मिलते हैं। यार मुझे अजीब लग रहा है। यार पागल मत बन, चुपचाप उसे जाके मिल ले। अगर मेरे घर पे काम नहीं होता ना तो मैं भी तेरे साथ आती। पर ठीक है, अभी तू अकेले जाके मिल, ठीक है? और हाँ, उसके सामने कॉन्फिडेंस लूज मत करना, ठीक है? ठीक है, अब तू बोल रही है तो मिल ही लेती हूँ जाके। हाँ थैंक यू, चले। हाँ चल। चार बज के पता नहीं कहाँ रह गया। अरमान। या। रिंकी। हाय। बाय द वे, तुम सामने ज्यादा खूबसूरत लगती हो, वीडियो में इतनी अच्छी नहीं दिखती। थैंक यू सो मच। तुम्हारा वीडियो देखा मैंने, पहली नजर में पता चलता है कि तुम इंश्योर हो अभी। तुम्हें मेहनत करने की काफी जरूरत है। मैं मेहनत करूंगी। तुम मुझे कुछ टिप्स देने वाले थे ना? हाँ, दे देना। हेलो, देखो क्या है, बाय द वे तुमने अपना नाम क्या बताया? रिंकी। रिंकी, देखो तुम्हारे वीडियो में ना 3 चीज मिसिंग है। पहला, तुम्हारा वीडियो टाइटल, एंड सेकंड, तुम्हारा वीडियो थंबनेल, एंड द थर्ड इज जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है लुक। ये तीनों चीज तुम्हारे वीडियो में मुझे मिसिंग लगी, बट कोई नहीं, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हारा एक वीडियो बनाते हैं। अभी? हाँ अभी, फोन निकालो। तुम्हारे पास मिनी ट्राइपॉड नहीं है? नहीं है। खरीद लेना, काम आएगा। चले। अच्छा, तुम अपने ब्लॉग में क्या बोलने वाली, कुछ सोचा है? कुछ खास नहीं। एक काम करो, तुम अपने लाइफ के बारे में बताओ, लाइक फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, बॉयफ्रेंड्स के बारे में। चलो। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। हाँ बन जाएगा, चलो करें। टेक एंड एक्शन। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकी अवस्थी। सॉरी सॉरी, एक सेकंड, आई थिंक यहाँ का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा आएगा, सो तुम यहाँ पर आ जाओ। कम। एक्शन। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकी अवस्थी। सॉरी, एक सेकंड, तुम एक काम करो, दुपट्टा को निकाल दो। दुपट्टा क्यों? अरे यही रीजन है तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं होता है, थोड़ा ना मॉडल बनो। चलो रिमूव इट, कम ऑन। चले एंड एक्शन। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकी अवस्थी हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग में, और मेरे साथ हैं अरमान जी। कट कट कट, पहली बात तो तुम्हारी एनर्जी बहुत कम है, एंड सेकंड की मेरा नाम मत लेना। क्यों? वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। चलो करें, चलो नाउ एंड एक्शन। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकी अवस्थी हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग वीडियो के साथ में। ये मेरा सेकंड वीडियो है। आई होप आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा पहला वीडियो देख लें जाके।
और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी अपनी हॉबीज के बारे में। मेरी हॉबी है व्लॉगिंग करना एंड मेरी सेकंड हॉबी है स्टडी। स्टडीज में तो मैं बहुत अच्छी हूँ, अपनी क्लास में टॉप करती हूँ। मेरे मॉम डैड का सपना है कि मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूं और उनका सपना पूरा करूं, उनका नाम रोशन करूं। अब ऑफिसर का तो पता नहीं, पर एक बात तो पक्का है कि मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर बनूंगी, स्टार ब्लॉगर। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय। कैसा लगा? बेटर था पर बेस्ट नहीं। आपने अपना नाम क्यों नहीं मेंशन करने दिया? अगर आपका नाम मेंशन करती तो मेरी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती। जरूर तुम्हारी पॉपुलैरिटी तो बढ़ जाती पर मेरी पॉपुलैरिटी ना कम हो जाती। क्यों? इफ यू डोंट माइंड, मेरा ना एक क्लास है, एक इमेज है, एक स्टेटस है और तुम्हारा कोई क्लास नहीं है। परफेक्ट यही है। देखो तुम एक काम कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो मेरे स्टूडियो में आकर तुम अपना वीडियो शूट कर सकती हो भी प्रोफेशनली। इसमें मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। मैं सोच के बताती हूँ आपको। सो ये रहा आपका फोन। सी यू। थैंक यू। पापा, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं मैथ्स की ना एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर लूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जा ज्वाइन कर ले, जो भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा। ठीक है? ठीक है पापा। पर आज तक तूने कभी एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन नहीं की, फिर अब अचानक से। हाँ तो माँ, अभी तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम कैसी बातें कर रही हो सुनैना? बच्ची पढ़ाई की बात कर रही है और तुम उसे बातें सुना रही हो। तो बिल्कुल बेफिक्र है बेटा, जा ज्वाइन कर ले, आपको पढ़ाई कर। थैंक यू पापा। प्यारा बच्चा, और तू भी कुछ अपनी बहन से सीख। जी पापा। हाँ हेलो। हाय, क्या कर रही है? मैं अपना वीडियो चेक कर रही थी। हाँ मैंने देखा तेरा नया वीडियो, बेटर हुए लगता है। अरमान की टिप्स काम करने लगी है। हाँ यार लग तो रहा है। तो दोबारा कब मिल रही है अरमान से? यार उसने मुझे बोला तो है मिलने के लिए, पर बोल रहा था उसके स्टूडियो में मिलना है, वहाँ पे ना प्रॉपर शूट हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है, चली जा। एक काम कर, घर पे कुछ बहाना बना ले। घर पे बहाना तो बना दिया है, पर द थिंग इज मुझे वो सही नहीं लग रहा। यार लकी है तू जो अरमान जैसा पॉपुलर व्लॉगर तुझे सपोर्ट कर रहा है। तू ज्यादा सोच मत, बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर होने वाली है, शायद मुझसे भी ज्यादा। ठीक है चली जाऊंगी। अच्छा चल रखती हूँ मैं। ठीक है बाय। बाय बाय। वेलकम टू माय स्टूडियो। वाओ यहाँ तो हम पूरी मूवी शूट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसे कहते हैं प्रोफेशनल स्टूडियो। हाँ अगर तुम चाहो तो अपना सारा व्लॉग वीडियो यहाँ पे शूट कर सकती हो। चलो रेडी हो जाओ, तुम्हारा वीडियो शूट करते हैं। एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? रेडी हो रही हूँ। ऐसे? I mean... ये लो, ये पहन करो। ठीक है? नहीं नहीं मैं ये नहीं पहन सकती, ये बहुत शॉर्ट है, मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी इसमें। रिंकी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखो तुम्हें पॉपुलर होना है कि नहीं होना है, अगर होना है ना तो ये सब कपड़े तुम्हें पहनने पड़ेंगे, हेवी मेकअप करना पड़ेगा, एक क्लास दिखना चाहिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो रिंकी, अगर तुम्हें कम टाइम में पॉपुलर होना है ना तो ये सब करना पड़ेगा, अगर नहीं तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। सोच लो क्या करना है तुम्हें, क्या करना है? मैं रेडी होके आती।
कुछ नहीं, तुम अच्छी लग रही हो। शूट करें, रेडी हो ना? गुड, ओके कम। रेडी, टेक करें, चलो एक्शन। हाय, मैं रिंकी अवस्थी हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ में। रिंकी सुनना। क्या हुआ? तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। ये तेरे लिए, आई लव यू। ले ले, अरे ले ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मना किया था ना मैंने उस दिन। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये सारी बातें पसंद नहीं है। आज के बाद ना अपना ये फेस मत दिखाना मुझे, ठीक है? तेरे व्लॉग्स देखकर ये मन बहला लूंगा। ये वाला ना? ओ, अभी डाला है? ये तो मैंने देखा ही नहीं। शॉर्ट ड्रेस पहनी है तूने? वाह। अंकल को पता है उन्होंने अलाउ किया क्या? नहीं, तू अपनी मर्जी से कर रही है ना? देख, तू अपनी हद पार मत कर। हद? हद तो तू पार कर रही है रिंकी। बचपन से तुझसे प्यार करते आया हूँ और तू क्या कर रही है? कल क्या है, लौंडे अरमान साथ घूम रही है तू? हाँ तो तुझसे मतलब? मुझमें क्या कमी थी? क्यों छोड़ा मुझे? ताकि तू अरमान साथ अय्याशी कर सके? बचपन का दोस्त है तू मेरा। अरे दोस्त की तरह तुझ पे भरोसा किया था, मुझे लगा था तू मुझे समझेगा, लेकिन तू भी औरों की तरह निकला, सेल्फिश। पापा को बताना है तुझे, जा बता दे जाके, लेकिन आज के बाद अपना ये फेस मत दिखाना मुझे। अभी तक नहीं आई है रिंकी, सुना ना? बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। टेंशन मत लीजिए, आ जाएगी वो। टेंशन वाली तो बात ही है ना, सुना ना? लो आ गई। कहाँ रह गई थी बेटा? नेहा कभी क्या आ चुकी है? पापा बताया तो था मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन की है। हाँ बताया था बेटा, लेकिन इतना लेट तक? शाम हो जाने से पहले घर आ जाया कर प्लीज। तो कहे तो मैं कोचिंग वाले से बात करूँ तेरी? नो पापा, आज फर्स्ट डे था ना इसलिए हो गया, कल से मैं ध्यान रखूंगी। हेलो, क्या बात है रिंकी? 1000 से भी ज्यादा ना व्यू चले गए, वो भी तुम्हारा पहला वीडियो में। तुम तो रातों रात फेमस हो गई हो। सही है। अच्छा सुनो, पार्टी तो बनती है ना? चलो सुबह मिलता हूँ। अरमान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिंकी, तू किससे बात कर रही है? और ये तेरे हाथ में दिखा, नेहा दिखा। नेहा। ये दूसरा फोन कहाँ से आया तेरे पास? तू व्लॉग्स बना रही है? तू जानती है ना कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा? तू खुद तो मरेगी मरेगी और साथ में मुझे भी मरवाएगी। मैं तेरी बहन हूँ, तूने मुझे भी नहीं बताया। नेहा यार, तू मेरी बहन है ना, तू समझ सकती है ना? व्लॉगिंग मेरा पैशन है और वो पैशन मैं अब पूरा कर रही हूँ। इनफैक्ट भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ दिनों में पैसे आने भी शुरू हो जाएंगे। प्लीज पापा को मत बताना। सच में तो ना पागल हो गया इस ब्लॉगिंग के चक्कर में। और ये अरमान कौन है बोल? बॉयफ्रेंड है तेरा? नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लॉगर है, मेरी हेल्प कर रहा है। प्लीज पापा को मत बताना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। तू सबसे पहले मुझे अपनी वीडियोस दिखा। पक्का? हाँ आजा। ये देख। अरे रिंकी, तेरे व्लॉग्स तो बहुत अच्छे हैं, पर तुझे छोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? व्लॉग तो तू ऐसे भी बना सकती है। अरमान ने बोला कि इस तरह से व्लॉगिंग करने से जल्दी पॉपुलर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, वो भी तो सलवार सूट में वीडियोस बनाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो पॉपुलर नहीं होते। ये सब ना बेकार की बात है, समझी?
क्या बात है रिंकी, तुम तो रातों रात स्टार बन गई। ये कौन है? नेहा, ये अरमान है। अरमान, ये नेहा मेरी सिस्टर। वाओ, ये तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तुम्हें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तुम तो और जल्द फेमस होगी। मुझे नहीं करनी कोई ब्लॉगिंग, ये तो रिंकी पागल है। मैं नहीं, जो पढ़ाई छोड़कर ये सब करूँ। अरे तुम तो खमखा नाराज हो गई, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। सॉरी रिंकी, पार्टी करने चले, लेट्स गो। अरे कहाँ जा रही है, कॉलेज नहीं चलना है क्या? अरे कॉलेज तो रोज जाती है, पार्टी तो कभी कभी करते हैं ना, क्यों रिंकी? राहुल है ना, उसने मुझे आज प्रपोज किया। मैंने उसे डांट के तो भगा दी, पर अब मुझे डर है कि वो हमारे बारे में पापा को ना बता दे। और अगर उसने हमारे बारे में पापा को बता दिया तो पापा मेरा कॉलेज जाना छोड़वा देंगे। मैं सोच रही थी कि हम अब मिलना कम कर दें। तुम ना टेंशन मत लो, मैं उसे समझा दूंगा, ओके? चुप साले आशिक बाज, क्या कर रहे हो तुम? रोड पे चलते हुए लड़की को प्रपोज करेगा और क्या बोल रहा था रिंकी को? अगर तूने हाँ नहीं किया तो उसके पापा को बोल देगा। बस साले ऐसे जगह भेजूंगा ना कि खुद को ढूंढ नहीं पाएगा, समझा? मेरे चौधरी का नाम सुना हुआ? बाप है मेरा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तेरे को, इस बार नहीं समझाऊंगा, चल निकल। देखिए रिंकी ये सब कर रही है, मना किया तब सुने ना किसी की। पा, कौन सी कोचिंग से आई है, मैथ्स की या साइंस की? माँ पापा, मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी। सब कुछ बता दिया है राहुल ने और नेहा ने। अरे कम से कम अपने पापा का तो ख्याल कर दे। कहाँ है तेरा मोबाइल? हाँ दे मुझे, दे मोबाइल। कॉल, फोन निकाल जल्दी, इधर दे। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैं तो सिर्फ नेहा को लेकर परेशान था कि वो इतनी आलसी है कि पढ़ाई नहीं करती है, पर तू, अरे तुझसे तो मुझे बड़ी उम्मीद थी। सारी दुनिया कुछ अपना सीना चूड़ा करके बोलता था कि एक दिन मेरी बेटी ऑफिसर बनेगी, पर तूने क्या किया? तेरे पास ये मोबाइल है, तू वाहियात कपड़े पहनकर वीडियोस बनाती है, बाहर किसी लड़के के साथ घूमती है, कॉलेज तक जाना बंद कर दिया तूने, और अब झूठ भी बोल रही है। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं है।
मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। क्या बताएगी तू रिंकी? मैंने तुझे पहले बोला था कि ये मोबाइल तेरी पढ़ाई बर्बाद कर देगा, अब तूने अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर ली है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ना ये मोबाइल रहेगा ना तेरी वीडियोस। पापा क्या पापा? और आज से तेरा ना ये कॉलेज और ये तेरी क्लासेस सब बंद। आज से घर में अपने माँ का हाथ बटाएगी तू, समझी? खर पापा एक बार रिंकी की बात सुन तो लो। तो भी चल, अगर तेरा भी कुछ इसकी तरह है ना तो आज से तेरा भी कॉलेज जाना बंद। जो भी कहो, रात का मजा ही कुछ और है। कम? रिंकी, पापा, रिंकी दरवाजा खोल। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मैं क्या करूं? अंदर कौन है तेरे साथ? तुम एक काम करना, तुम बस शांत रहना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, ठीक है? रिंकी दरवाजा खोल। रिंकी, क्या हुआ जी? अंदर कोई रिंकी के साथ है। क्या? हाँ, रिंकी। ये कौन है? अब ये अरमान है पापा। अरमान प्लीज जाओ। बस यही रहेगा तो नाक कटवा दी तूने हमारी। ये सब करने से पहले मर क्यों नहीं गई तू? ये क्यों मरेगी? बाप तो मैं हूं ना इसका, इज्जत तो मेरी मिट्टी में मिली है, तो मरना तो मुझे चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? और क्या बोलूं? क्या बोलूं? मेरे मुंह पे काली पोत दी इसने, आज दिखाता हूं कि बड़ा कैसे जाता है। तुम सब देखोगे कि बड़ा कैसे जाता है। सब देखना। मम्मी, पापा क्या करने जा रहे? पागल हो गए हो? मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। इस लड़की ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। दुनिया में लोगों को बोलता था कि मुझे ना अपनी अपनी दोनों बेटियों पर फख्र है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। मुंह बर्बाद कर दिया तूने सब कुछ। I'm sorry, पापा, I'm really sorry.
गलती हो गई, बस बस मुझे इस बार माफ कर दो, मैं सब सही कर दूंगी। पापा आप बोलोगे ना, मैं उस लड़के से नहीं मिलूंगी। आप मेरा कॉलेज बंद करवा दो पापा, मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगी, पर प्लीज माफ कर दो पापा, प्लीज। तू आज भी झूठ बोल रही है। पापा नहीं प्लीज, आप चाहे तो मेरी कभी भी शादी करवा दो पापा। नहीं 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 प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज। रिंकी को माफ कर दो। माफ कर दीजिए उसको। अरे सुने ना जी, मेरा लंच बॉक्स दे दो भाई। आई लीजिए, लो। शाम को थोड़ा जल्दी आ जाइए। चलते। मम्मी मैं चलती हूँ, बाय पापा। बाय बेटा, चलते। सुनिए ना, मार्केट जाना था, थोड़े पैसे चाहिए थे। चलो, जल्दी आ जाएगा। रिंकी हम मार्केट जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं मम्मी, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। हेलो अरमान, माँ पापा दोनों ही घर पर नहीं हैं, तुम अभी आ सकते हो? हाँ ठीक है, नहीं वो थोड़ी देर में आएगी। ओके फाइन, बाय। घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, चलो। क्या बात है रिंकी, तुमने तो फोन भी नया ले लिया, ट्राइपॉड भी ले लिया, सही है। ब्लॉगिंग की तैयारी चल रही है? हाँ बस बनाने वाले थे, पर अब बाद में बनाऊंगी। वो कहाँ है? अब आने वाली है। सही है, तब तक हम एंजॉय कर सकते हैं। अरे क्या बात है नेकी और पूछ पूछ, चलो। एक सेकंड। क्या हुआ? अब आज कुछ नया ट्राई करें। रियली? अरे सही है। अरे तुम इधर बैठो। अरे अरे क्या बात है, आज तुम्हारा मूड ठीक है? अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे मैं खोल देता हूँ ना, ये लो। अब इतना जल्दी सब कुछ? अब ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये क्या है यार, पूरा हॉलीवुड टाइप, समझ रहा हूँ मैं। बाय द वे इसका नाम क्या है? इसका नाम ब्लाइंड फूल। देखो या, अरे बाबा आराम से। अरे क्या कर रही हो तुम यार? देखो मुझे ना सब अंधेरा अंधेरा लग रहा है यार, प्लीज खोल दो। थोड़ी देर में सब कुछ अच्छा लगेगा। रियली? बहुत मजा आने वाला है। कहीं तुम मेरा ब्लॉग तो नहीं शूट कर रही हो ना? अरे क्या कर रही हो तुम यार? देखो मुझसे ना रहा नहीं जा रहा, प्लीज ये सब नाटक करना बंद करो यार। बस थोड़ी देर और। प्लीज ये सब क्या कर रही हो? देखो ये क्या है? अब मैं उतार रहा हूँ यार ये सब। ये पागल है क्या तू?
हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकी अवस्थी। मैंने आज एक मर्डर किया है और जिसका मर्डर भी है आप लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, अरमान जो बहुत बड़ा ब्लॉगर है, उसने मेरा सपोर्ट करने के नाम पर मेरा रेप किया। अरमान, मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ। ओके, सो देखो देखो, मैं तुम्हारी घबराहट को अभी दूर कर देता हूँ। ओके अरमान, क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरमान पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हो? पागल हो जाओ। अरमान प्लीज, आई बेग यू प्लीज। ये रहा तुम्हारा वायरल ब्लॉग। सी? अरमान प्लीज 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 इसे डिलीट कर दो। ये डिलीट नहीं हो सकता, तुझे फेमस जो करना है। प्लीज डोंट। चल ठीक है, देख मैं इतना भी निर्दय नहीं हूं, मुझे तो बस प्यार चाहिए था तुमसे। तू मुझे प्यार देती रहा। ये वीडियो हमेशा मेरे फोन में रहेगा। उसे मार दिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं डर गई थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। फिर एक दिन मेरे पापा को ब्लॉगिंग के बारे में पता चल गया। पापा ने मुझ पे इतना गुस्सा किया कि उन्होंने मेरा कॉलेज, मेरा घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। और वो सब इस अरमान की वजह से। इनफैक्ट मेरे पापा ने खुद को मारने की कोशिश की सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, लेकिन ये तब भी नहीं माना। ये हमारे घर तक चला आया। मां प्लीज मुझे छोड़ दो। तू मुझे अपना रिप्लेसमेंट ला कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। मैं कुछ समझी नहीं। अपनी बहन ला कर दे मुझे। इतना शॉक्ड होने की क्या बात है इसमें? सौम्य ने भी तो ये किया था ना तेरे साथ, तुझे नहीं पता? अरे सौम्य ने तुझे मुझसे मिलवाया तो मैंने सौम्या को छोड़ा। अब मैं तुझे भी तभी छोड़ूंगा ना जब तू किसी और से मिलवाएगी। देख सौम्या से पहले भी ना एक लड़की थी, उसने मुझे सौम्या से मिलाया तो मैंने सौम्या को छोड़ा और सौम्या ने तुझसे मिलवाया और तू अपनी बहन नेहा से मिलवाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। हाँ लेकिन तब तक के लिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मेरी दोस्त सौम्या, उसने सौदा किया था मेरा इस अरमान के साथ। जितना ये अरमान गुनेगार है उतनी सौम्या भी गुनेगार है, लेकिन शायद वो भी फंसी हुई थी और उसने खुद को निकालने के लिए मुझे इस दलदल में घुसा दिया। उसके बाद भी इस हैवान की हैवानियत रुकी नहीं। इसकी नजर मेरी बहन पे थी, अगर मेरी बात होती तो मैं जेल भी नहीं थी, लेकिन अब बात मेरी बहन की थी, मेरी फैमिली की थी। मैं अपनी वजह से अपने माँ बाप, अपनी फैमिली को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैंने इसे मार दिया। लेकिन अब मैं जा रही हूँ पुलिस के पास सरेंडर करने। और हाँ, मेरे जैसे दुनिया में जितने भी बच्चे हैं जो अपने बलबूते पे कुछ अलग करना चाहते हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट, कभी किसी पर भरोसा मत करना सिवाय अपने पेरेंट्स के। सिर्फ आपके माँ बाप होते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कोई और नहीं। और अपने सपनों को सच करने के लिए ना खुद पे विश्वास करना, किसी और पे नहीं।
पापा, I'm sorry.